फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की स्कूल कुल महफिल में। आज मैं लेकर आई हूँ कैरी कुकुम्बर कूलर का एक नया ड्रिंक ग्रीन चिली के एक्स्ट्रा पंच के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, इस ठंडक देने वाले कुकुम्बर कूलर की हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक खीरा ककड़ी, एक कैरी और एक हरी मिर्च। सबसे पहले हम खीरा ककड़ी को छील लेंगे और इसके अंदर यदि मोटी बीजे हैं तो निकाल लेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको बारीक कट कर लेंगे। खीरा ककड़ी को मैंने छील कर कट कर लिया है। अब हम कैरी को भी कट करना है। कैरी हमें पूरी कैरी नहीं लेनी है, इसमें से हम एक बड़ा टुकड़ा कट कर लेते हैं। इतना टुकड़ा मैंने कट कर लिया है, इसको भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। ये मैंने कैरी के भी पीसेस कर लिए हैं और कुछ फ्रेश पुदीना पत्ती हमें लेनी है। साथ में मैंने लिए थोड़ी शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, सादा नमक, बर्फ हमें लेनी है और यहाँ पर मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है। तो अब शुरू करते हैं कूलर बनाना। इसके लिए हम लेंगे खीरा ककड़ी के टुकड़े, मिक्सचर जार में ले लेते हैं और साथ में कैरी के टुकड़े भी मिक्स कर देते हैं इसी में, और पुदीने के पत्ते हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कूलर में या हॉट मिर्ची का क्या काम, पर मैं इसका एक्स्ट्रा पंच कूलर में देना चाहती हूँ। इतनी पूरी मिर्ची नहीं लेंगे, थोड़े से टुकड़े में इसमें डाल रही हूँ। आप भी करके देखिए, ये स्वाद आप भूलेंगे नहीं। अब हमने कूलर में थोड़ा खट्टा और थोड़ा तीखा स्वाद दिया है और अब थोड़ा सा स्वीटनेस। इसके लिए मैं 1.5 से 2 चम्मच शुगर ले रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, इसका भी फ्लेवर हम लेंगे, और काला नमक। इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए काला नमक भी हम इसमें ले रहे हैं, और साथ में लेंगे थोड़ा सादा नमक। और अब ये है रोस्टेड जीरा पाउडर, बहुत ही अच्छी खुशबू अभी से इसकी मुझे आ रही है और इसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कूलर में रोस्टेड जीरा पाउडर। अब हमें इसमें 3-4 क्यूब बर्फ डालना है और ये जो मैंने इसमें सारे फ्लेवर लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लिए हैं, क्योंकि जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम बर्फ के साथ सर्व करेंगे तो फिर इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अभी थोड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखने हैं और अब मैं इसमें ले रही हूँ 3-4 क्यूब बर्फ की। ये थोड़ा बर्फ का पानी है वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। तीखा, मीठा, खट्टा सारे ही फ्लेवर इसमें अब बंद हो गए हैं और अब हम इसको क्रश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा कैरी कुकुम्बर कूलर क्रश करके रेडी है और अब हमें इसे ये कुकुम्बर की स्लाइस, पुदीने के पत्ते और ये कैरी के टुकड़े हैं, इनके साथ ही हमें डायरेक्ट इसे सर्विंग जार में ही सर्व करना है। वो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। सबसे पहले हम सर्विंग जार में आइस क्यूब डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खीरा स्लाइस, साथ में कुछ कैरी के पीसेस और कुछ पुदीने के फ्रेश पत्ते। कूलर सिर्फ पीने के लिए नहीं, शरीर के लिए भी ठंडा रहे इसके लिए मैं डाल रही हूँ ये कुछ चिया सीड्स, या फालूदा में जो हम डालते हैं वो तुलसी के बीज है, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है, वो मैं इसमें ले रही हूँ। और फाइनली अब हम इस पर पोर करेंगे ये ठंडा ठंडा कूल कूल कैरी कुकुम्बर कूलर मिर्ची के पंच के साथ, और अब हम इस पर स्ट्रॉ लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है ये हमारा कैरी कुकुम्बर कूलर। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल संगीता विश्वरूप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।